देवास जिले के सोनकच्छ तहसील के ग्राम पंचायत कशनारिया के ग्रामीण ने सरपंच के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय व जिला पंचायत में जनसुनवाई में सरपंच द्वारा किया जा रही घोर अनियमितता और कई कार्य अधूरे कार्यों की राशि निकाली गई। कई शिकायतें लेकर ग्रामीण भी पहुंचे थे। कशनारिया पंचायत में विकास कार्य अवरुद्ध है, सरपंच विकास कार्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर मांगलिक भवन ग्राम सीसी रोड निर्माण में भ्रष्टाचार हो रहा है। गांव के नाले तक शमशान के रास्ते एवं शमशान घाट निर्माण ग्राम खोईरा मुंडी खेड़ी ग्राम के अंतर्गत आदिम जाति बाहुल्य गांव में स्वीकृत 20 लाख रुपए की निकासी में घोर अनियमितता की गई है। ग्रामीणों ने मौका स्थित के फोटो उपलब्ध करवाए तथा सरपंच पर लाखों का भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्राम पंचायत कसनारिया से ग्राम मुंडी खेड़ के रहने वाला हूँ मैं, और मेरे यहाँ पे जो रोड बनाया गया था RCC का वो अधूरा पड़ा है और बारिश का पानी मेरे नाले के अंदर घर के अंदर भराता है। सरपंच से बोलते हैं तो वो तो आनाकानी करके और धमकियां देते हैं कि तुम तो शिकायत ही शिकायत करो, मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आप जहाँ भी जा सकते हो, देवास भोपाल दिल्ली कहीं भी जा सकते हो, बाकी आप मेरा कुछ भी नहीं बाल बांका कर सकते। तो मैं आपके पास आया हूँ आवेदन यहाँ जिला कलेक्टर में देने के लिए। मैंने दिसंबर के 24 तारीख को फिर शिकायत भोपाल करी थी। अभी तो इन्होंने 4,65,000 रुपये निकाल लिए। तो शिकायत करने से इसके बाद भी मैंने कोई वापसी की ना कुछ नहीं, वो नहीं मालूम किस प्रकार से उन लोगों ने वो शिकायत वापसी करवा दी। वापसी करवाने के बाद में जब मुझे पता लगा कि ये वापसी करवा दी गई है, तो फिर मैं ये दौड़ा भागी कर रहा हूँ। मैं एक तो दूसरे के यहाँ नौकर भी हूँ और ये काम भी देखता हूँ। ये सत्य है, आप जाके वहाँ पे इंक्वायरी करिए ना। शमशान घाट के अंदर 30 साल पुराने सरपंच ने बनाया था एक ओटला, वो भी कच्चा पड़ा।